अब बात उपचुनाव की कर लेते हैं, क्योंकि मऊ के घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इस सीट पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह के बीच सीधी टक्कर है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। घोसी विधानसभा सीट पर कुल 4,30,763 मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,28,000 है तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,94,054 है। इस उपचुनाव में 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, 239 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 455 मतदेय स्थल हैं। सुरक्षा बहुत कड़ी है, मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो सके इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 2 कंपनियां, सीआरपीएफ की 10 कंपनी, पीएसी की 10 कंपनी, 3 एडिशनल एसपी, 5 सीओ और 12 एसएचओ को तैनात किया गया है। लगातार वोटिंग जारी है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर घोसी में देखने को मिल रही है। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में भी उपचुनाव को लेकर वोटिंग चल रही है, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की घोसी सीट की बात करें तो यहां पर एसपी और बीजेपी दो पार्टियां, इन दोनों के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। 11 प्रत्याशी बताया जा रहा है चुनावी मैदान में। सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो गई थी, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। 22 के नतीजे भी आपको हम दिखा रहे हैं घोसी में, ये बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी की दारा के सामने एसपी के सुधाकर हैं। घोसी उपचुनाव से जुड़ी है इस वक्त की बड़ी खबर कि लगातार वोटिंग जारी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आम जनता मतदान कर रखी है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रखी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, घोसी का घमासान, दारा सिंह चौहान वर्सेस सुधाकर सिंह, सीधा मुकाबला एसपी और बीजेपी का देखने को मिल रहा है। उपेंद्र और राजीव हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव का रुख करेंगे, क्या अपडेट है राजीव, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी, कड़ा मुकाबला एसपी और बीजेपी के बीच में यहां घोसी सीट पर देखने को मिल रहा है। यकीनन अली, सुबह 7 बजे से ही आप देख सकते हैं कि जो मतदान है वो लगातार जारी है। इस वक्त मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसी में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो मतदाता हैं वो सुबह से ही लाइन में लगकर मतदान करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। घोसी में विधानसभा उपचुनाव में काफ़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही, क्योंकि ये सिर्फ विधानसभा उपचुनाव ही नहीं, 2024 से पहले NDA और इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। और यही कारण है कि दोनों, चाहे NDA से जो जुड़ी पार्टियाँ, बीजेपी हो, सुभाषपा हो, निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, उन्होंने अपने उम्मीदवार दारा सिंह को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस, अपना दल जैसे जो तमाम दल शामिल हैं, उनके भी नेताओं ने लगातार कैंप करके घोसी में अपने अपने उम्मीदवार को जिताने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा, किन किन मुद्दों को लेकर ध्यान में रखकर आप आज वोट करने आए हो? हम लोग बताएं, अब चुनाव तो भाई हम लोग दारा चौहान को जिताए थे, हम लोगों से फिर छोड़कर भाग गए, अब क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल यहाँ पर आप लोग पहुँचे हैं, क्या कौन सा मुख्य मुद्दा होगा जिनको लेकर आप वोट करें? कोई मुद्दा नहीं, दलबल नेता को हम लोग वोट नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे होंगे? ऐसा कौन सा मुद्दा? तो जैसा कि आपने सुन रहा है कि इन लोगों का ये कहना है कि लगातार यहाँ पर अगर बात करें तो अलग अलग रिएक्शन पर देखें, 4 बार चुनाव हो चुके हैं। आप जरा उपेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, अगर दारा सिंह की बात कर लें तो एसपी से बीजेपी में आए, कई हजार वोटों से वो आगे रहे, लेकिन अलग अलग लोगों की राय है। कई लोग दलबदल नेता उन्हें कह रहे हैं, कई को कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वहां के मुख्य मुद्दे क्या है जरा बताइए, सियासी समीकरण बताइए और प्रत्याशी को लेकर जनता क्या सोचती है? देखिए, सियासी समर्थन की बात करें तो आप ये समझिए कि 4 साल में ये तीसरा चुनाव है घोसी सीट पर। इसको इसलिए समझिए कि यहाँ पर पहले 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं और एक बार 2022 का चुनाव हुआ। 2022 से पहले यहाँ फागू चौहान जो विधायक थे वो बिहार के राज्यपाल बनाए गए, उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ। उसके बाद 2022 में चुनाव हुए जिसमें दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से जीते और फिलहाल अब दारा सिंह चौहान भाजपा में आ गए, वो भाजपा प्रत्याशी हैं और तीसरी बार इसीलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर माना जा रहा है। तो ऐसे में जनता इस बार क्या फैसला करेगी, फिलहाल उसके
दिलो दिमाग पर है, लेकिन ये जरूर तय है कि यहाँ पर INDI और NDA का सीधा मुकाबला भी है, और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, क्या उसका असर जनता के वोट कास्ट पर पड़ेगा, क्या वो भी जनता के दिमाग पर होगा, इसका तो फैसला 8 तारीख को होगा जब नतीजे खुलेंगे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर चुनाव है वो लगातार जारी है और यहाँ पर मतदान भी जारी है। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह हो जाती है कि यहाँ पर जिस तरीके से OBC वोट जो है वो महत्वपूर्ण है, तो उसका रुख क्या होगा, वो किस करवट बैठेगा, वो भी बहुत कुछ तय करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दारा सिंह चौहान के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम है कि क्या ये चुनाव ये तय कर देगा कि क्या दारा सिंह चौहान ही यहाँ पर सबसे बड़ा चेहरा है, या दारा सिंह चौहान का नाम बड़ा है, क्योंकि वो किसी भी पार्टी से लड़े, लेकिन दारा सिंह चौहान नाम बड़ा है या फिर पार्टी, देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रतिष्ठा का सवाल दारा सिंह के लिए जरूर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।